एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिगे ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 8, दैट इज़ मोशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मैथड। लेकिन उससे पहले, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, जब ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो यहाँ ये पॉसिबल है कि हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं उनकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ड्यूरिंग मोशन किसके साथ, डिस्टेंस कवर, वो भी कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में। और किससे हम इनको रिलेट कर सकते हैं, एक सेट ऑफ इक्वेशन होते हैं हमारे पास जिसके साथ हम इन सभी के बीच में हम रिलेशन जो है वो शो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उस सेट ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मीन्स वो सेट ऑफ इक्वेशन जिसमें हम रिलेशन फाइंड करते हैं वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डिस्टेंस का, टाइम का, उसे हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और कन्वीनियंस के लिए हमारी सेट 3 इक्वेशंस का जो है वो ये दिया गया है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे आपकी यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ, टाइम इंटरवल टी, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, एस आपकी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी है। इक्वेशन जो 8.5 है वो डिस्क्राइब कर रही है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन 8.5? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन जो आपकी 8.6 है वो रिप्रेजेंट कर रही है पोजिशन टाइम रिलेशन। और इक्वेशन जो 8.7 है जो रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशन बिटवीन पोजिशन और वेलोसिटी, वो ऑब्टेन कहाँ से हुई है? इक्वेशन 8.5 और 8.6 से, जब हमने उसमें से एलिमिनेट कर दिया है टी, इन दोनों इक्वेशन में से, वी और एस वाली इक्वेशन में से टी को यहाँ पे ख़त्म किया है, यहाँ से हटा दिया गया, एलिमिनेशन की गई है, तो वो उसके बाद हमें ये थर्ड इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है। मीन थर्ड इक्वेशन जो है वो इन फर्स्ट टू इक्वेशन से ही ऑब्टेंड हुई है। और ये जो तीन इक्वेशन हैं, हम इन्हें डिराइव कैसे कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले है इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम के लिए रिलेशन कैसे हम फाइंड करेंगे। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लीजिए ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपको पता है उसके केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेंड होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। ये आपको शो किया गया है ग्राफ यहाँ पे, तो जैसा कि यहाँ पे फिगर 8.8 में आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है। ये देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है, तो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये आपकी आ गई फाइनल वेलोसिटी। ऐसे वी शो कर रहा है, लेकिन हमें पॉइंट निकालना होगा, तो वो आपका ई आएगा फाइनल वेलोसिटी जो है शो कर रहा है आपकी ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पे हाँ, इस ग्राफ से आपने देखा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉइंट ए पे है, और इंक्रीज होके वो पहुँच गई पॉइंट बी पे इन टाइम टी में, तो वेलोसिटी चेंज हुआ एट यूनिफॉर्म रेट ए पे हुआ। फिगर 8.8 में जो परपेंडिकुलर लाइन है बी सी और बी ई, वो ड्रा की गई हैं पॉइंट बी से टाइम पे और वेलोसिटी एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली, ताकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट हो ओ ए से, और फाइनल वेलोसिटी जो है रिप्रेजेंट हो बी सी से, और टाइम इंटरवल जो है रिप्रेजेंट होगा आपका ओ सी से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका टाइम इंटरवल है ओ सी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी ओ से लेके ए, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी आपकी ए ई भी बोर्ड बता सकते हैं, ए से लेके बी तक जो चेंज आया कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, दैट इज ए ई। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बारे में नोटिस किया गया है। अब ड्रा करते हैं ए डी पैरेलल टू ओ सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डी ये जो लाइन है ये पैरेलल ड्रा की ओ सी के, बिल्कुल पैरेलल, ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, उन लाइन को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ए डी हमने ड्रा किया पैरेलल टू ओ सी, और ग्राफ से हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा बी सी था वो किसके इक्वल था, बी डी प्लस डी सी। जो बी सी था आपका, ये है बी सी, ये पूरा बी सी है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, बी डी प्लस डी सी। तो यहाँ पे बी डी को बी डी रहने देंगे, लेकिन डी सी जो है किसके पैरेलल है, इक्वल है ओ ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी प्लस ओ ए। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू बी सी की, हमारी वी है जो फाइनल वेलोसिटी थी आपकी, ओ ए आपकी यू है जो इनिशियल वेलोसिटी थी, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, बी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये आपकी वी आ गई बी डी प्लस यू, तो बी डी की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस का यू उस साइड जाके आपका माइनस का हो गया, तो दैट इज़ वी माइनस यू।
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखिए कि जो एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट की वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई थी, वो तो बी डी थी, और टाइम टेकन आपका था ए डी, बी डी अपॉन ए डी, ये है आपका बी डी अपॉन ए डी, ये चेंज हुआ है। अब यहाँ पे ए डी किसके इक्वल है, ए डी आपका ओ सी के इक्वल है, तो यहाँ पे ओ सी आपका टी है, तो ओ सी आपका टी था, बी डी की जगह बी डी रहेगा, यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन चल रही है इस साइड पे, ये आ गई, आ गया आपका टाइम, तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ गई ए इंटू टी। अब बी डी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 8.8 में यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका वी माइनस यू इक्वल्स टू आना था आपका ए टी, वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। अब उन्होंने क्या किया, ये माइनस का यू उस साइड लेके तो वो प्लस का हो गया, दैट इज़ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई, जो इक्वेशन सम मोशंस की फर्स्ट इक्वेशन थी वो अब ड्राइव हो गई है। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन। पोजिशन टाइम रिलेशन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, चलिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस एस टाइम टी में अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए में। तो फिगर 8.8 में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी ऑब्जेक्ट की, वो कैसे हम कर सकते हैं, जो एरिया इंक्लोज हुआ था ओ ए बी सी, पूरे फिगर का जो एरिया था वही इसकी डिस्टेंस कवर होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमने ड्रा किया था। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी ऑब्जेक्ट की वो किसके इक्वल होगी, एरिया ओ ए बी सी जो एक ट्रेपीजियम के फॉर्म में बना था आपका, देखिए यहाँ पे ओ ए बी सी, तो ट्रेपीजियम भी टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा ओ ए डी सी प्लस ट्राइंगल ए बी डी, तो इस तरह से आप ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उन दोनों को ऐड कर सके आपकी डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगी। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ओ ए आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, ओ सी आपकी जो ए डी के इक्वल टाइम था, बी डी आपका ए टी जो हमने अभी फाइंड किया था, तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, यू इंटू टी 1/T टी इंटू ए टी, ये सारी वैल्यू पुट की जब हमने किया इनको मल्टीप्लाई, यू इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी आपका आ गया टी स्क्वायर, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन भी जो थी वो डिराइव हो गई डिस्टेंस के लिए, पोजिशन टाइम डिस्टेंस रिलेशन जो आपका था। नेक्स्ट ये आपकी इक्वेशन पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने शो किया है 8.8 में, उसमें डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही थी ऑब्जेक्ट टाइम टी में जो मूव हो रहा था अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए से, वो उसमें कैसे फाइंड किया, जो एरिया इंक्लोज हो रहा था ट्रेपेजियम ओ ए बी सी से, तो एस इक्वल्स टू जो हमारी डिस्टेंस थी वो इसके इक्वल थी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज़ बी वन प्लस बी टू इंटू हाइट, ये आपका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, पैरेलल साइड्स थी उस ट्रेपेजियम में आपकी ओ ए और बी सी, और हाइट थी आपकी ओ सी, तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए आपका यू था, बी सी आपकी फाइनल वेलोसिटी, ओ सी आपका टाइम था, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। उसी तरह वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हम यहाँ फाइंड किया था टी, यहाँ पे था ना आपका वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाली है, टी की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से ये इक्वेशन है आपकी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप क्या करोगे, प्लस का यू उस साइड जाके माइनस का हो गया, ठीक है, इक्वल टू आपका ए टी आएगा, अब टी को यहीं पे रहने दीजिए, ए इसके डिवाइड में आ गया, यही आपकी इक्वेशन है जो यहाँ पे दी है, यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ये जो टी की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आपने सब पुट कर देना है इस इक्वेशन में, देखिए ये आपका यू प्लस वी जन वी प्लस यू ये है, टी के साथ आ गया आपके वी माइनस यू अपॉन ए, और जो टू आ गए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब वो आपका फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ये आ गया, और टू ए को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से हमने इक्वेशन निकाल दी है आपकी, तो थ्री इक्वेशन थी जिसकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।